हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में भी इस तरह का नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आता है और ये नोटिफिकेशन यहाँ से हट भी नहीं पाता है, जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं और इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं तो ये यहाँ पर अपडेट भी नहीं हो पाता है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इस डाउनलोडिंग इंग्लिश यूएस अपडेट वाले इस ऑप्शन को यहाँ से हटा सकते हैं और दोस्तों किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होता है। तो हम यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर सेटिंग वाले इस आइकन पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम इस गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों इस तरह का यहाँ पर ये विंडो ओपन होकर आ जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे नीचे वाले साइड में आना है। तो हम यहाँ पर इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाते हैं और सबसे नीचे यहाँ पर आपको सेटिंग फॉर गूगल्स ऐप आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की कुछ और सेटिंग्स आ जाएंगी। आपको यहाँ पर भी सबसे लास्ट वाली सेटिंग को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर लास्ट वाली सेटिंग सर्च असिस्टेंट एंड वॉइस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर इस तरह की एक और सेटिंग ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वॉइस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस वॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर इस वॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमको थर्ड लाइन पर ऑप्शन दिखाई देगा, ऑफलाइन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। तो आपको इस थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन दिया है ऑटो अपडेट, आपको इस ऑटो अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑटो अपडेट वाले इस ऑप्शन पर टिक होगा। तो आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ से इस ऑप्शन को हटाकर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। तो आप जैसे डू नॉट ऑटो अपडेट लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी ऊपर नोटिफिकेशन लैंग्वेज वाले आते थे और वो आप यहाँ से बिल्कुल हट जाएंगे। तो जैसे आप इस डू नॉट ऑटो अपडेट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप चेक करके देखेंगे कि आपका यहाँ पर ये अपडेट यहाँ से हट चुका है और जो भी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता था वो अब यहाँ पर नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को यहाँ से हटा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।